नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा। जो आज का टॉपिक है, हाउ टू बिकम रिच, कैसा अपने जीवन में पैसा कमाना है, उसके लिए हमें क्या करना क्या है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेना होगा। जो मैं आपको बात कर रहा हूं वो 99 सब्लिमेशन के यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके सामने मैं आ रहा हूं। तो मैं जितना टॉपिक इस चैनल में बात करूंगा, प्रिंट एंड ई कॉमर्स रिलेटेड के लेके रिलेशन से लेके बात करूंगा। यदि आप हमारा सब्सक्राइबर हो और हमें रेगुलरली वॉच करते हो, या आपका दोस्त कोई डिफरेंट बिजनेसेस में है, वो आगे बढ़ना चाहता है, या नंबर वन, नंबर टू, यदि न्यू बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो हमारा स्टार्टअप क्लिनिक जो दूसरा चैनल है, जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स का रिटायर्ड पीपल के लिए, या एक्स सर्विस मैन जिसको मैं कहता हूँ उसके लिए, और सर्विस पीपल की फैमिलीज के लिए, और एनसीसी के बच्चे के लिए, जो जो इस राष्ट्र को सुरक्षित करता है वो सारे पीपल के लिए हम बिजनेस को आइडियाज नहीं ला रहे। आइडियाज तो अनेक चैनल, यूट्यूब के चैनल पीपल दे रहे हैं, वो आइडियाज को आप लेके आपकी बिजनेस को स्टार्टअप करने का तरीका हम देंगे। जो हमारे साथ डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट पीपल हैं, वो आपको मदद करने में, आपकी बिजनेस में सक्सेसफुल बनाने में मदद भी करेंगे। अब मैं एक राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूं, देश को बदलने की काम कर रहा हूं, मनोकामना करता हूं इस मेरे मुझ में और ज्यादा शक्ति दे। जो एक मिडिल क्लास सोसाइटी पीपल, दैट्स मीन अराउंड 60% ऑफ द पीपल जिसकी फैमिली इनकम 40,000 से लेके 60,000 5 लाख रुपीस तक है जो मंथ में, उनकी लाइफ को बिजनेस स्टार्टअप के थ्रू से या स्किल के माध्यम से मैं उनको हाई सोसाइटी में लेके जाऊं, जो हम लोग हर समय इन्फ्लुएंसर का फॉलोअर होती है। अब इन्फ्लुएंसर हमें बनना पड़ेगा तो दो चीजें हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप नॉलेज बढ़ाना होगा, नंबर वन, नॉलेज के पीछे पैसा है। जब नॉलेज के पीछे में पैसा है तो नॉलेज कौन बढ़ाएगा, वो है आपके मोहन चंद्र, वो है आपका प्रिंट बिजनेस स्कूल, वो है आपको जनबी बिजनेस स्टार्टअप, वो है इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इनक्यूबेटर फॉर एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस, वो है आपका जनबी एडवांस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, वो है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और उनकी टीम जो हमारे साथ साथ चलते हैं, वो हमारी आंध्रा यूनिवर्सिटी, वो हमारी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जिसमें मल्टीपल, वो है आईएम्स जो आपको सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट आपको क्यों करेंगे, आप इस देश को बदलने की वादा करते हो, हमारा साथ जुड़ के आप अपनी स्टार्टअप को आगे लेके जाते हो। आप यदि रिच हो गए, यदि नहीं, यदि हम जो स्टार्टअप करवा के देंगे, हम आपको रिच बनाने की ताम ली है, लेकिन आप पहले क्वालिफाइड होना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अनेक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करना पड़ेगा, और जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप जाते हो तो आप उसमें नॉलेज बढ़ाओगे। तो जो पीपल जो ट्रेनिंग तक आ नहीं सकते, जो हम लोग जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स के लिए, कैसा बिजनेस को स्टार्ट करना है, डिजिटल ट्रांसफर्स क्या है,
वेबसाइट्स कैसा मैनेज किया जाता है, जो प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हम बना नहीं पाएंगे उसको हमें चलाना बहुत मुश्किल है, जिसको ट्रेन करना हमारे लिए एक चैलेंज की बात भी हो जाती है। तो उसका चलते हम बोलते हैं, जो भी आपका स्टार्टअप है वो स्टार्टअप में हम आपको एजुकेट करेंगे नंबर वन, फिर आप डिसीजन लो, आप अपनी बजट्स प्लान करो और हम रिकमेंड करेंगे किसके पास क्या खरीदना है, क्या खरीदना है। नहीं तो आप ऑलरेडी, यदि आपका स्टार्टअप है और प्रिंट बिजनेस का स्टार्टअप है तो आप 99sublimation.com वेबसाइट में जाके आप अपनी डिमांड कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, हम आपको क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे। फ़ोन में डिस्टर्ब मत कीजिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जो पीपल हमारा ऑफिसेस में यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हमारा टेक्नोलॉजी को, हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जो आप तक पहुँचाया है, वो सारे पुराना वीडियोस थे जिसमें नंबर्स है हमारे ओल्ड एम्प्लॉयज़ का, तो आप रिक्वेस्ट है, हमारा एक तरीका है रीच करने का, वो है 99sublimation.com, उसमें क्वेरी का एक पेज है, वो क्वेरी का पेज से डायरेक्टली आप आ सकते हो, नंबर वन। सेकंड, जब भी आप आते हो 99sublimation की वेबसाइट पेज में, ये जो वेबसाइट के पेज में जब आते हो तो आपको गाइडेंस मिलेगी। यदि आप 3D मशीन के बारे में जानना चाहते हो, आपके पास एक रैंडमली दो वीडियोस मिलेंगे। एक वीडियो है जो टेक्नोलॉजी कैसा चलेगी, ये जो वीडियो हम जो शूट करके इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनक्यूबेटर ऑफ MSME मिनिस्ट्री का वीडियो हम प्ले करेंगे। सेकंड वीडियो रहेगा स्टार्टअप क्लिनिक का, जिसमें हम बिजनेस की स्टार्टअप्स में मार्केटिंग कैसा करना, टेक्नोलॉजी को कैसा फिट करना। तो आप दोनों के कंडीशन में हमारा स्टार्टअप क्लिनिक का मेंबर बनना पड़ेगा, वेदर इट इज ए प्रिंट बिजनेस और ऐसे 150 प्लस बिजनेसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब 150 बिजनेस क्या है, आप एंटरप्रेनर इंडिया टीवी में जाइएगा, एंटरप्रेनर इंडिया टीवी जो यूट्यूब का चैनल है, इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का चैनल है, जिसमें 150 प्लस डिफरेंट बिजनेसेस के लिए बात ऑलरेडी करके आपको वीडियोस बना के रखा हुआ है। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सैनिटरी नैपकिन कैसा बनता है, सर्फ कैसा बनता है, ऑयल कैसा बनता है, नॉन वोवन बैग्स कैसा बनता है, जूते कैसा बनते हैं, टी शर्ट्स कैसा बनता है, ये कैसा बनता है, अनेक वीडियोस हैं। उसको जो स्टार्टअप क्लिनिक का चैनल होगी है उसमें हमने वीडियो स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि हमारा ऑफिस अंडर प्रोसेस में है, जो स्टार्टअप क्लिनिक जो 719 जिले में हम आ रहे हैं, क्योंकि हमारा एक साल में 1,00,000 पीपल जो आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले रिटायर होते हैं, वो 16 साल के एज में देश की रक्षा में, देश की सुरक्षा में वो बॉर्डर पर तैनात होते हैं, दिन भर वो बैठा रहते हैं, कब जंग होगी, कब गोली चलेगी, सीना सामने लेके गोली खाने के लिए। जब आप वो 40 साल का हो जाता है और वो देश में वापसी आता है, रिटायर हो जाता है, जो पर्सन को 70,000 रुपया तक महीना में मिलता था, उसकी सैलरी मात्र 18,000 रुपया से
25,000 के बीच में हो जाती है। जो फैमिली देश का सुरक्षा कर रहा है उसकी फैमिली में वेरी यंग बच्चे होते हैं 40 साल के समय एजुकेशन के लिए, वहीं डिमांड आती है जहां एजुकेशन बहुत जरूरत है और इनकी आर्थिक स्थिति गिर जाती है। देखो मेरे दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे पोजीशंस में हो तो उन्हें कौन बचाएगा, उन्हें कौन सिखाएगा, ये मेरी सोच है। पिछले 4 साल मैंने आपको सिखाया, आप कोई 70 करोड़ की कंपनी बना ली है, कोई 1,00,000 करोड़ का कंपनीज बना ली है, एक कोई 50,000 का कंपनी बना लिया, कोई लाखों करोड़ों अनेक करोड़ों में स्टार्टअप्स हमने जो स्टार्ट किया सारे बना लिए। अब मैं बात पूछता हूं आपसे, कितने पीपल सामने आ रहे हैं बोल रहे हैं कि सर आप हमें सिखाए हो और आपका एक सोच था और सोच रहेगा, सोच में ही देश को बदलने का, लेकिन कौन आके बोल रहा है कि आपके सोच में हम चलेंगे। हर पर्सन हमें बोलता है कि हम, मेरे बच्चे हैं, मेरा जीवन है, मेरा फैमिली है, तो मेरे को देखना होगा, मेरा एक घर है दूसरा घर लेना होगा, एक गाड़ी है दूसरा गाड़ी लेना होगा, जीवन भर में पैसा का पीछे ये सिलसिला चलते रहेगा। आप जो इस जीवन में आए हो, मैं आपको वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो लास्ट टाइम कौन सा जीवन में थे, अगला जीवन आपका क्या होगा हमें पता नहीं। वो बंदा नेक्स्ट 5 मिनट में क्या होने वाला जो बॉर्डर पर तैनात है, उसकी फैमिली उसकी इंतजार में है, उसको एक दिन खबर आता है हमारा हस्बैंड नहीं। मैं पिछले 5 साल जब आप लोगों के लिए काम किया, आपको बदलने की शक्ति दिया भगवान ने, हमने कुछ पीपल को बदले, कुछ पीपल बदले ही नहीं। तो अब मैं बोलता हूं, मेरी जो पर्सनल टाइम है, मेरी जो पर्सनल टाइम है वो डेडिकेटेड रहेगी उस सारे देशभक्त को जय जय हिंद बोलेगा और देश के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ेगा। उस सारे पीपल को जो स्टार्टअप क्लिनिक के माध्यम से मैं पर्सनली सपोर्ट कुछ करूंगा, नहीं तो उनकी बिजनेस प्लान मैं बना के दूंगा। सो 99 सब्लिमेशन के व्यूअर्स की एक रिक्वेस्ट है, मैं जितना भी आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि आपके सामने मैं अभी ज्यादा नहीं मिल पा रहा हूं क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन दे दिया है, 7,000 पीपल डेली फोन करते हैं और 7,000 पीपल बोलते हैं सर अपने को मशीन खरीदना है, एक नया स्टार्टअप करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ यदि स्टार्टअप करना है मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा, लेकिन आपकी स्टार्टअप में आप और हम जैसा मिले, आपका कस्टमर, आपका जो एंड कस्टमर है और आप ऐसा ही मिले, आप हमसे कैसे मिलिए। आपको एक सोच आई नंबर वन, मेरे को कुछ करना है, कुछ मेरे को अपने बारे में करना है, अपने बच्चे के लिए करना है, या बगल का भैया कर रहा है वो काम करना है, तो हमने ढूंढा मार्केट में क्या अच्छा बिजनेस है। यस, प्रिंटिंग का बिजनेस हमेशा अच्छा था, अच्छा रहेगा, अच्छा चलते रहेगा। फूड की बिजनेस अच्छा है, अच्छा रहेगा, अच्छा चलते रहेगा। जूते की बिजनेस अच्छा रहेगा, अच्छा चलते रहेगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी हमेशा अच्छा रहेगा,
चलते रहेगा। चश्मा की कंपनी हमेशा अच्छा रहेगा, चलते रहेगा। मेरा क्वेश्चन यही था इस देश से, हम तो मिसाइल बनाने चले जब हमें चश्मा बना के हर तीसरा आदमी को हम दे सकते हैं। हम खुद कमाने ही चले, यदि मैं बोलूं एक ही कंपनी यहाँ तैयार करूं जिसके पास पैसा है, और मैं इंडिया में 719 जिलों में वही ब्रांड नेम से सबको मैं दे दूं। तो ये मेरी सोच थी जो मैं फ्रेंचाइज इंडिया से बहुत क्लोजली काम किया। फ्रेंचाइज इंडिया एक वेबसाइट है जिससे क्लोजली काम किया, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो भी कमर्शियल हो गए। वो बोले हम फ्रेंचाइजी 25 लाख लेंगे, 50 लाख लेंगे साल का पैकेज।